भाजपा जो है वो टिकटें नहीं बदली है, उन्होंने कई कुछ बदला है और भाजपा के मंसूबे जो है वो पूरे नहीं होंगे। उन्होंने पूरा किया ही क्या है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब रही है तब यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ का ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र का एक समान विकास जो है चाहे किसी भी क्षेत्र का है वो कांग्रेस पार्टी के समय हुआ है। राजा वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, उनके आशीर्वाद से ही ज्वालामुखी चुनाव क्षेत्र का विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ कोई काम नहीं किया। विधानसभा क्षेत्र ज्वालामुखी में जहां एक और भाजपा ने रमेश धवाला का टिकट बदलकर रविंदर रवि को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने संजय रतन को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में संजय रतन का अपना एक अलग जनाधार है। संजय रतन ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर जाकर प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान भारी संख्या में उन्हें लोगों का समर्थन मिल रहा है। इसी कड़ी में आज संजय रतन ने उज्ज्वल हिमाचल से खास बातचीत कर अपने विचार साझा किए। संजय रतन ने कहा कि हमारे कार्यकाल में ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में अथाह विकास हुआ है। उन्होंने पूरा किया ही क्या है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब रही है तब यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ का ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र का एक समान विकास जो है चाहे किसी भी क्षेत्र का है वो कांग्रेस पार्टी के समय हुआ है। राजा वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, उनके आशीर्वाद से ही ज्वालामुखी चुनाव क्षेत्र का विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ कोई काम नहीं किया। अगर आप नजर दौड़ाएंगे पूरे चुनाव क्षेत्र में, चाहे चंगर का क्षेत्र हो चाहे बलिहार का क्षेत्र हो, हर जगह आपको विकास की ईंट के ऊपर जो है वो वीरभद्र सिंह जी का नाम या कांग्रेस पार्टी का नाम या हमारे विधायक काल का हमारा नाम जो है वो आपको पाया जाएगा। भाजपा जो है वो टिकटें नहीं बदली है, उन्होंने कई कुछ बदला है और भाजपा के मंसूबे जो है वो पूरे नहीं होंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, थंपिंग मेजोरिटी से बनेगी और ज्वालामुखी की जनता भी कांग्रेस पार्टी का विधायक चुनकर गया वो विधानसभा में भेज। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है, बल्कि ज्वालामुखी में विकास की हर एक ईंट पर कांग्रेस का नाम है। भाजपा सरकार ने जनता को झूठे वादे कर ठगा है। संजय रतन ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि टिकट बदलने से भी ज्वालामुखी में भाजपा सत्ता में नहीं आएगी। भाजपा जो है वो टिकटें नहीं बदली है, उन्होंने कई कुछ बदला है और भाजपा के मंसूबे जो है वो पूरे नहीं होंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, थंपिंग मेजोरिटी से बनेगी और ज्वालामुखी की जनता भी कांग्रेस पार्टी का विधायक चुनकर गया वो विधानसभा में भी है। देखिए हमारे साथ तो कोई भी चुनाव लड़ लेता, चाहे पुराने वाले लड़ लेते, अब चेहरा बदला है वो भी लड़ रहे हैं, तो ये तो फैसला जनता ने करना है कि किसको चुनना है। और जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बिल्कुल वाकिफ़ है, इनके किए हुए वादों से वाकिफ़ है, इनकी गवर्नेंस से वाकिफ़ है और आज जो है वो हर वर्ग जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से तंग है, इनके किए हुए वादे जो है वो पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए जनता जो है बदलाव चाहती है और चेहरा चाहे जो मर्जी हो लोग जो हैं वो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं और हमें आशीर्वाद जो है वो ज्वालामुखी में मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश कांग्रेस की लहर है और ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र का मतदाता पूर्व में किए कांग्रेस के विकास कार्य को देखते हुए कांग्रेस पार्टी को अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि अगर ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता है तो मैं ज्वालामुखी में विकास के नए आयाम स्थापित करूंगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विकास के नाम पर चुनाव लड़ रही है और प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार ही आएगी। उज्ज्वल हिमाचल के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। क्षेत्र का हर मानस जो है, हर जनमानस, हर मतदाता कांग्रेस पार्टी के साथ है और जो हमने विकास 2012 से 17 के बीच में किया है उसको मद्देनजर रखते हुए ज्वालामुखी का हर मतदाता जो है वो कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दे रहा है और हमें आशीर्वाद दे रहा है। पिछला चुनाव लड़ा था 2012 का, उसमें ये शामिल है तो हमने उन पंचायतों में काम किया। आज लोग वहाँ पे भी तुलना कर रहे हैं कि हमारे 5 साल में 12 से 17 में वहाँ पे क्या काम हुआ, 17 से 22 में क्या काम हुआ और 12 से पहले भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी और ये जो भाजपा के प्रतिद्वंदी मेरे साथ चुनाव लड़ रहे हैं जब ये वहाँ के विधायक थे इन्होंने क्या काम किया, तो लोग उस तुलना को करके अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। इसकी कांग्रेस पार्टी ने कभी भी CM का चेहरा जो है वो घोषित नहीं किया, हमेशा कांग्रेस पार्टी ने एक ज्वाइंटली जो है वो चुनाव लड़ा है और CM कांग्रेस पार्टी जो है जब विधायक चुन के आते हैं वो CLP की मीटिंग होती है और हाईकमांड जिसको चाहती है, हाईकमांड का जिसके ऊपर आशीर्वाद होता है वही मुख्यमंत्री बनता है। कभी भी आप इतिहास को देखो कि कभी भी मुख्यमंत्री जो है वो हिमाचल प्रदेश में घोषित नहीं हुआ।